जगह आसन लगा ले और आसन लगा करके ही भजन करें, इसके अलावा मत करें। आप कहीं भी रहो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल गोविंद का चिंतन करते रहो, परमात्मा का भजन करते रहो, समझ लो हमारा बेड़ा पार है जाएगा। जो लोग नहीं करते उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ होता है। परमात्मा ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में चार चीजें हर प्राणी में होती हैं, आहार निद्रा भय मेथुन च सामान्य मेतत् वसुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः वसुभिः ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में चार चीजें हर प्राणी में हैं, अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिद जरायुग आदि जो योनियां हैं। चार चीजें कौन कौन सी हैं? आहार निद्रा भय और मैथुन क्रिया, ये हर प्राणी में होती है। लेकिन मनुष्य के पास अगर कोई चीज है तो वो एक चीज है, वो किसी और अन्य प्राणी में नहीं होती। क्या है वो? धर्मो ही तेसा मधिको विशेषा। मनुष्य धर्म कर सकता है, कोई जानवर धर्म नहीं कर सकता। रस्ते के निकलने वाली किसी भेड़ बकरी से कह दो कि बहन जी आप भाग बद घर वालों को भी करवाएंगे, या किसी गाय भैंस से कह दो कि बहन जी आप मंदिर में जल चढ़ाया, जाएंगे वो चढ़ाने के लिए। क्यों? उसके पास वो धर्म जानती है। धर्म क्या है? धर्म केवल मनुष्य जान सकता है। जानवर तो जिस मां से जन्म लेता है उसके साथ में सहवास क्रिया भी करता है, क्योंकि उसे बोध नहीं होता कि धर्म क्या है। लेकिन मनुष्य के पास तो इस बात का बोध हो कि धर्म क्या है, हम धर्म कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहा है, राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं रामचरितमानस में, बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम मनुज मोए भाई मनुज मोए भाई। इसीलिए कहा है कि सबते अधिक मनुज मोए भाई। अब ये बात किसने कही है? पूरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं कहा इस बात को। किसी संत की वाणी होती तो ये भी मान लेते शायद हो सकती है मिथ्या भी हो, किंचन मात्र। क्योंकि एक तो किसी संत की देव ऋषि की वाणी मिथ्या होती नहीं है, और अगर हमने मान भी लिया तो परमात्मा की तो वाणी कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। उन्होंने स्वयं कहा है कि सबते अधिक मनुज मोहि भाए, इसलिए भाए हैं
क्योंकि मनुष्य चाहे तो सत्कर्म कर सकता है, मनुष्य चाहे तो धर्म कर सकता है, मनुष्य चाहे तो यज्ञ कर सकता है, मनुष्य चाहे तो अनुष्ठान कर सकता है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई जानवर नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेगा राधे राधे। कुछ लोग तो ऐसे बैठी जैसे बहुत गुस्सा में हुआ है, सब लोग महाराज कौन से का पदार गो है भैया, कहो बुरा लगो तो भैया हम चले जाएंगे, लेकिन मुंह नहीं बना होता। सब ते अधिक मनुष्य मोहे भाई, इसीलिए परमात्मा को मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है। जो लोग कहा गया है भाग्योदय बहुजन में समर्जिते नो सत्संगम चलभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु गति मोहे मदान्धकारिणासं विधाहि तदो दयते विवेका। बंधु एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण ये वयम महाबंधो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक कितना सुंदर श्लोक दे दिया है, या जी ने लिख दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। कौन? विश्व की उत्पत्ति करने वाले, जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति करने के लिए अपना साकार रूप में अवतार लिया, कौन? वो सच्चिदानंद। अच्छा, सच्चिदानंद के तीन अर्थ है, तीन भाग है, एक तो है सत, दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। सच्चिदानंद, सत किसे कहते हैं? ये कथा बड़ी विलक्षण है और इसे वही लोग समझेंगे जो थोड़ा उसमें प्रवेश कर पाए। सत किसे कहते हैं? सत माने कहा गया है कि जो पहले सत था, सत है और रहेगा, जो त्रिकाल बाधक है। संसार पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। हमने पहले जन्म लिया था, मेरा जन्म हुआ है और आगे भी जन्म होगा। हम पहले मरे थे, अभी भी मर रहे हैं और आगे भी मरते चले जाएंगे। ये एक हिसाब से देखा जाए तो संसार सागर जी तो मुर्दालय है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, जो आया है वो जाएगा। एक किसी
मुर्दे को लेकर के चार व्यक्ति चले जा रहे थे और बोल रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो एक व्यक्ति ने संत जी से पूछ लिया, बोले महाराज ये व्यक्ति कौन जा रहा है? बोले ये मुर्दा है। बोले जो ये जो जो लेकर के जा रहे हैं ये कौन है? तो पता संत जी ने क्या जवाब दिया? बोले बेटा वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे लेकर के जा रहे, जो वर्तमान में मुर्दा है इस वर्तमान के मुर्दे को भविष्य वाले मुर्दे, क्योंकि जो आज ये मर गया है कल इन्हें भी, तो सभी मुर्दे ही है ना। बोले वर्तमान के मुर्दे को भविष्य वाले मुर्दा लेकर के चले जा रहे हैं, यानी सब मुर्दा। कछु सिंहासन चढ़ चले कछु बधे जंजे, आया है सो जाएगा राजा रंको पति। सब हम मरते आए हैं, मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं हम, ना जाने या श्वास की आवन हो। अच्छा इस बात की क्या गारंटी है कि हम एक घंटे बाद कथा बोल पाएंगे या आप सुन पाएंगे? कोई गारंटी नहीं, किसी के पास कोई इसका साइंटिफिक नहीं है। इसीलिए हम अतिथि हैं, कोई डेट कोई टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है। सत चित, चित माने होता है बंधु, ये चित माने होता है प्रकाश। हम अगर हमें आपको देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी अंधेरे में। हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो स्वयं प्रकाशमय हो उसे क्या किसी ट्यूबलाइट की आवश्यकता है? उसे क्या कोई टॉर्च की आवश्यकता? आप लोगों को किसी को मालूम है कि सूर्य की का जो फुल रूप से एक टेम्परेचर है वो कितना है? अभी हमारे यहां कितना टेम्परेचर है? शायद 42-45 का समथिंग है। आज का टेम्परेचर शायद 44-45 डिग्री सेल्सियस था। सूर्य की का जो फुल टेम्परेचर है वो 11,88,62,000 डिग्री सेल्सियस है। अब जब उसकी आभा को समझिए आप, यहां जब 45 और 50 में हमारा ये हाल है, वहां का क्या हाल है? उसको क्या किसी के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी? वो स्वयं प्रकाश है। बंधु तीसरी बात है आनंद। अच्छा हर शब्द का एक विलोम शब्द होता है, आना जाना उठना बैठना आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं यहां वहां मरना जीना सोना जागना, हर चीज का एक विलोम है। सुख का दुख है, जीने का मरना है, लेकिन बंधु आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं बना। आनंद शब्द का कहीं भी अगर हम देखें कि डिवोशन हो गया हो तो ऐसा कहीं नहीं होगा। आनंद तो आनंद है साहब, आनंद जिसके अंदर हरि रहता है उसके अंदर आनंद विराजमान हो सकता है। अब जिनकी जिनका मन ही कथा में ना लगता हो, जिनका मन ही हरि कथा से दूर भागता हो, अच्छा हरि कथा से दूर किसका मन भागेगा? जिनकी जीवन में अधिकांशतः पाप भरे हुए होंगे। तुलसी पिछड़े पाप से हरि चर्चा ना सोहा,
उन्हें कथा अच्छी भी लगती, उन्हें हाँ फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं, बढ़िया टेलीविजन चल रहा हो, बढ़िया अच्छे अच्छे गीत आ रहे हो, महाराज पूरी रात में निकल जाएगी देखते देखते। तो उनसे कहते हो कि दो मिनट ताली बजा के गीत निकल दो महाराज, हमारे उसकी बात नहीं है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, या ऊंगे या लड़ मरे या उठ के, बोलो राधे 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 राधे। ये तो बगल वाले को ऐसा करें क्या, ठीक है बढ़िया हो, वह चावल का पीना है कि नहीं है, तुम्हारी रोटी बन के कि नहीं है, मतलब सारी घर की बातें यही। वो जब बगल वाली व्यक्ति नहीं सुनेगा, बगल वाली बहन जी नहीं सुनेगी, तो बंधु आनंद उसे ही आता है जिसके अंदर प्रेम होता है।